रॉयल एनफील्ड की रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल्स को कड़ी टक्कर देने के लिए पिछले साल ही होंडा ने अपनी नई हाईनेस CB350 को लॉन्च किया था, जिसने भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल की है। और शायद इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए होंडा ने कस्टमर्स की चॉइस को एक वॉइस देने के लिए उतारी है नई होंडा CB350 RS, जो कि पूरी तरह होंडा हाईनेस पर बेस्ड है। लेकिन कंपनी ने इसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी किए हैं, और वो बदलाव क्या है आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर करें और वो बेल आइकन को भी प्रेस करें। RS यानी रोड सेलिंग। होंडा का कहना है कि वो अपनी CB350 RS के जरिए यूथ को टारगेट कर रही है। पर क्या हाईनेस के सामने होंडा CB350 के मायने कुछ अलग रहेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही जवाब भी पाइएगा इस वीडियो को पूरा देखकर, क्योंकि आप ही खुद बता पाएंगे कि हाईनेस आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है या फिर होंडा CB350 RS। CB350 RS हाईनेस पर बेस्ड है, इसलिए इस बाइक में फ्रेम, सस्पेंशन, इंजन और काफ़ी सारे एलिमेंट्स हाईनेस वाले ही मिलते हैं। इस बाइक में मिलने वाला LED हेडलैम्प और फ्यूल टैंक सेम ही मिलता है। हालांकि कंपनी ने डुअल टोन ब्लैक और येलो पेंट स्कीम दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रही है। और हेडलैम्प पर क्रोम का इस्तेमाल ना करके मैट ब्लैक रिंग का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने इसमें नए LED टर्न इंडिकेटर्स दिए हैं, जो कि होंडा हॉर्नेट 2.0 से लिए गए दिखते हैं। साइड पैनल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, और यहाँ हाईनेस का बैज भी नहीं है, जिसे अब CB350 RS ने रिप्लेस कर दिया है। क्रोम का इस्तेमाल आपको इस बाइक में सिर्फ एग्जॉस्ट, हीट शील्ड, हैंडल बार और मिरर्स पर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा टेल सेक्शन भी कंपनी ने फिर से डिज़ाइन करके कॉम्पैक्ट और मॉडर्न बना दिया है। इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ ये देखने को मिलती है कि कैसे होंडा ने सीट के अंदर ही LED टेल लैंप और ग्रेब रेल को इंटीग्रेट किया हुआ है। वहीं छोटे प्लास्टिक फेंडर में 17 इंच के व्हील शॉट के साथ एक 150 सेक्शन MRF कर्व टायर दिया है। फ्रंट में 19 इंच के व्हील के साथ कंपनी ने नया मेटल बैश प्लेट दिया है, जिसे फ्रेम के नीचे की तरफ अटैच किया गया है। कुल मिलाकर ये मोटरसाइकिल आपको स्क्रैम्बलर जैसा फील देती है। तो भैया, लुक्स के मामले में CB350 RS आपको कहीं से भी निराश नहीं करती है, लेकिन अगर फीचर्स की बात की जाए तो आपको इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, इस बाइक में ना तो आपको USB पोर्ट मिलता है और ना ही आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। खैर, एक्सेसरीज़ के तौर पर आप बाहर से USB पोर्ट लगवा भी लें, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कहाँ से लाएंगे, जो कि आपको ऑलरेडी हाईनेस के डीलक्स प्रो वेरिएंट में दी जा रही है। खैर, इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स आपको सारे वही मिलते हैं जो कि आपको हाईनेस के डीलक्स वेरिएंट में मिलते हैं, जिसकी कीमत इस बाइक से करीब 10,000 रुपये कम है। और 10,000 रुपये में कंपनी इस बाइक में क्या कुछ ऑफर कर रही है? चौड़े टायर, नई ग्रिप रेल्स और नई बेस प्लेट। क्या 10,000 रुपये की कीमत में ये सारे बदलाव और ये जो नई स्टाइलिंग है वो सब जस्टिफाई करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन के अलावा कंपनी ने इसके एर्गोनॉमिक्स में भी कई बदलाव किए हैं, यानी इसमें थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन देखने को मिलती है। फुटबैक्स को 112 मिलीमीटर पीछे करके 12 मिलीमीटर ऊंचा भी कर दिया है। हैंडल बार को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है और इसे 10 मिलीमीटर तक ऊंचा कर दिया है। साथ ही इसे 41 मिलीमीटर दूर भी रखा गया है। सीटें भी पूरी तरह नई दी गई हैं। ओवरऑल स्पोर्टी और आरामदायक ये बाइक आपको देखने को मिलती है। CB350 RS में भी आपको सेम हाईनेस वाला ही 350 cc का इंजन मिलता है, जो कि 21 BHP की पावर और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। चलाने के दौरान आपको इसमें पूरी तरह स्पोर्टी फील मिलता है, और सड़कों पर ये काफ़ी ज़्यादा तेज तर्रार भी नज़र आती है। हाई रेव्स पर भी इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार प्रतिक्रिया देता है, और इसमें दिया गया 5-speed गियरबॉक्स के साथ स्लिप एंड क्लच असिस्ट काफ़ी बेहतरीन काम करता है। राइडिंग को मज़ेदार बनाने के लिए एग्जॉस्ट नोट की आवाज़ हर वक्त आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है। हालांकि ऊंचाई पर इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस में थोड़ा और सुधार हो सकता था, जहां ये ऊंचे गियर्स पर थोड़ी स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है। राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, सस्पेंशन और ब्रेक्स भी अपना काम बेहतर करते हैं।
होंडा CB350 RS की एक्स शोरूम कीमत 1,96,000 रुपए है, जो कि हाइनेस के डीलक्स प्रो वेरिएंट से करीब 3,500 रुपए ही ज़्यादा है। अगर आप कॉलेज आने जाने के लिए एक बढ़िया दिखने वाली बाइक की तलाश कर रहे हैं या फिर ऑफिस आने जाने के लिए एक अच्छी दिखने वाली बाइक की तलाश कर रहे हैं तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि फीचर्स के मामले में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक की तलाश कर रहे हैं और आपको फीचर्स भी भरपूर चाहिए तो आपके पास हाइनेस का ऑप्शन तो अवेलेबल है ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों से भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हाइनेस खरीदी जाए या फिर होंडा CB350 RS।